चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन एफ में सम नंबर वन। जो सम नंबर वन है कुछ इस तरह, द इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्टेड फॉर द 500 चिल्ड्रन एंड इट इज फाउंड दैट द एवरेज मार्क हैड 68 एंड स्टैंडर्ड डिविजन इज 22। इफ द मार्क ऑब्टेन बाय द चिल्ड्रन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग द मार्क मोर देन 68। सेकेंड में दिया है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग द मार्क बिटवीन 70-90 एंड द मिनिमम स्कोर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ इंटेलिजेंट 50 स्टूडेंट या चिल्ड्रन। बच्चा यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, पहले दो जो है वो नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से ही हो जाएंगे, जो थर्ड वाला है वो इनडायरेक्टली आपको हिंट दी गई है रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए। कैसे क्या करना है हम डिटेल में देखेंगे। रिड्यूस स्कोर्स के हिसाब से थर्ड नंबर का क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड है, थर्ड वाला हम अलग से करेंगे। आप में वो वीडियो में आए तो आपको खाली फर्स्ट और सेकंड ही देखना है। चलो बच्चा तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सर फर्स्ट वाले में एन जो है टोटल वो 500 है। आप बोलोगे म्यू जो है सर वो कितना एवरेज 68 मार्क है और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डिवीजन वो आप बोलोगे 22। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पे बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क मोर देन 68। मोर देन 68 तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वेश्चन सर फ्रेम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 68। सेकेंड वाला की बात करते हैं तो उसमें बोला हुआ है, उन्होंने क्या बोला है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग बिटवीन, परसेंटेज बोला हुआ है तो आप बोलोगे 70 लेस देन एक्स लेस देन आप बोलोगे 90। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चा। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको क्लियर करना है। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ 68 जो दिया हुआ, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्स के टर्म में दिया हुआ है, नॉर्मल वेरिएबल में दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो आप बोलोगे एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे आप बोलोगे 68 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे आप बोलोगे z ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 68 और यहाँ पे जो म्यू है बच्चा वो आप बोलोगे कितना लिखोगे, कोइंसिडेंटली 68 ही है और यहाँ पे आप बोलोगे सर 22, कोइंसिडेंटली ऐसा ही है, z लेस देन z ग्रेटर देन 0। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल कर्व हमने ड्रॉ किया, यहाँ 0 लिखा जाता है उससे ग्रेटर पार्ट ये आएगा पूरा, तो आप बोलोगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 आएगी और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। बच्चा आपको ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल टर्म में दिया था। कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 0 से ग्रेटर पोर्शन कौन सा होता है, तो 0 से पोर्शन राइट हैंड साइड होता है जो आप बोलोगे प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो ये वाले पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर इसको थोड़ा प्रॉपर लिखना है, तो एक लाइन प्रॉपर लिख सकते हैं जो हमने लिखी नहीं है तो लिख लेते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो आप बोलोगे सर वो आंसर आएगा 0.5। इसके साथ बच्चा हमारा ये फर्स्ट सम खत्म हुआ। सेकेंड सम की बात करते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है 70-90 के बीच में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप शुरू करोगे 70 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन, आप बोलोगे एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन 90 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 70 म्यू कितना आएगा बच्चा, तो 68 अपॉन सिग्मा कितना आएगा 22 लेस देन जेड लेस देन यहाँ पे है 90 माइनस आप बोलोगे 68 अपॉन 22। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे सर 70 माइनस 68 डिवाइड बाय 22, तो आप बोलोगे सर ये जो आंसर आ रहा है तो हमें यहाँ बच्चा ध्यान में रखना है, आप बोलोगे पॉइंट में आ रहा है ऐसे देखो तो 0.0909 और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें 3 डिजिट तक ही लिखना है तो वो ध्यान में रखना 0.09 जेड और यहाँ पे आप बोलोगे 90 माइनस 68 डिवाइड बाय 22 सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर हम शुरू करते हैं, तो ये हमने पहला नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा जेड 0,
जैसे ये पॉइंट आप लिखोगे उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, यहाँ पहले 0.09 आएगा तो हमने यहाँ पहले 0.09 और दूसरा जो आएगा वो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा यहाँ पे लिख, एक मिनट चलो इसको थोड़ा खींच लो 0.09 और यहाँ पे जो लिखेंगे Z1=1 आ जाएगा, हमें ये पोर्शन ढूंढना है। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर इसको लिखने के लिए सिंपल सी बात है, ये एक्स्ट्रा हम करते हैं हर बार की तरह, तो आप बोलोगे सर पहला डिस्टेंस जो देखना पड़ेगा 0 से लेके 0.9 तक, तो यहाँ से हमने लिख दिया पहले 0.09 तक। दूसरे वाले पोर्शन में आप बोलोगे सर ये जो पोर्शन है पहले हम ऑलवेज बड़े वाले का देखेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा Z1=1 का और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे Z=0.09। बड़े में से छोटा पोर्शन माइनस करेंगे तो हमें बीच वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर चलो लिखना शुरू करते हैं, बच्चा थोड़ी जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा एक बार फिर से लिख देते तो क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे 0.09 < Z < 1। ये होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू करते हैं 0 से लेके 1 का डिस्टेंस, 0 से लेके 1 का डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पहला स्टेप, उसमें से माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर 0 से लेके यहाँ से आप बोलोगे 0.09 आ जाएगा, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो ये पोर्शन 0.3413 माइनस आप बोलोगे 0.9 का सर देखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 9 का है 0.3159 माइनस करो बच्चा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस करते हैं तो आप बोलोगे 3413 माइनस 3159 सॉल्व करते हो तो 0.0254 और आपको परसेंटेज टर्म में बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0. ये एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा 0.0254, आप बोलोगे सर इसमें लिखोगे तो 2.54% आएगा। आपको बोलोगे सर 100 में भी मल्टीप्लाई करते हो, नहीं नहीं बच्चा ऐसा नहीं है, वो थोड़ा खाली देखने में थोड़ा हमने, तो यहाँ पे बच्चा ध्यान में रखना 0.09 है, तो 0.09 जो होगा कितना, तो 0 में 0 0.0 में सबसे आखिर में हम देखेंगे तो होगा कितना 0.0359। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3413 माइनस 0.0359 सॉल्व करेंगे तो 0.3054 और आपको परसेंटेज टर्म में बोला गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 0.3054 × 100 30.54% होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये सेकेंड नंबर का पॉइंट भी खत्म, शांति से इतना लिख लो उसके बाद हम थर्ड नंबर का पॉइंट शुरू करते हैं, तो ये क्लियर कर लो। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक बटन जरूर दबा सकते हो।